नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर, रविदास सेवा समिति अध्यक्ष ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश सरकार के पिछले विद्युत बिलों के भुगतान पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है, किंतु विचारणीय है कि कोरोना बीमारी के चलते संपूर्ण भारत में लागू दाम लंबे समय से रहने से मजदूर, गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन अत्यंत विनाशकारी हो गया है। खाने के लाले पड़ गए हैं, मजदूरी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के समय व्यवस्था भाइयों व अन्य लोगों के द्वारा व्यवस्था मूल रूप से संशासन के आदेश अनुसार की गई थी। उस स्थान से अधिक विद्युत दोनों भुगतान शासन के द्वारा लिया जाता है तो वह नियम के विरुद्ध होकर मनमर्जी की जा रही है। जब विद्युत का किसी प्रकार से कोई उपयोग ही नहीं किया गया तब किस बात का भुगतान लिया जा रहा है, जो कि अत्याचार की श्रेणी में आता है, जब पूर्ण रूप से शासन के द्वारा आय के साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे ज्ञापन दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी पिछले पत्रकार बंधुओं को हमारों को वर्जन दिया था कि रोक लगाई जाए बिल पे, तो हमारा निवेदन आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये बिल माफ कराने के लिए पहुंचाएं। ये ज्ञापन संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज एवं मजदूर संघ एवं क्षेत्रवासियों की ओर से किया गया माननीय एसडीएम महोदय को। तो हमें ऐसी आशा उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र के कोरोना महामारी बीमारी मार्च से प्रारंभ से आज दिनांक तक के पूरे बिल माफ किए जाएं। ऐसा न होने पर जब शासन के निर्देश हो जाएंगे कि धरना प्रदर्शन आंदोलन, तो मुझे मजदूरों के लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। जय भीम, जय भारत। खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।